भारत के वीर सपूत अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद की 116वीं जन्म जयंती धूमधाम से मनाई गई। आजाद कुटिया पर आजाद को नमन करने के लिए कांग्रेस व भारतीय जनता पार्टी के नेता पहुंचे। वहीं आम जनता ने भी आजाद कुटिया पहुंचकर आजाद को नमन किया। स्वराज संस्थान भोपाल द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया, जिसमें राष्ट्रगीत, नुक्कड़ नाटक आदि का मंचन किया गया। 23 जुलाई 1906 को आदिवासी बाहुल्य अलीराजपुर जिले में जन्मे चंद्रशेखर आजाद ने 27 फरवरी 1931 को अल्फ्रेड पार्क इलाहाबाद में स्वयं को गोली मारकर मातृभूमि के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी थी। राजनीतिक दलों द्वारा आजाद कुटिया पहुंचकर आजाद की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर आजाद तेरा ये बलिदान याद रखेगा हिंदुस्तान के नारे लगाए। मध्य प्रदेश के औद्योगिक नीति मंत्री व जिले के प्रभारी मंत्री राजवर्धन सिंह दत्तीगांव, प्रदेश भाजपा उपाध्यक्ष नागर सिंह चौहान, जोबट विधायक सुलोचना रावत, पूर्व विधायक माधव सिंह डावर ने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ आजाद कुटिया पहुंचे। उज्जवल भारत उज्जवल भविष्य पावर का कार्यक्रम भी आयोजित किया गया। इसके पश्चात आजाद स्मारक से आजाद कुटिया तक 200 मीटर राष्ट्रीय ध्वज के साथ गौरव यात्रा का भी आयोजन किया गया, जिसमें प्रभारी मंत्री राजवर्धन सिंह दत्तीगांव, कलेक्टर राघवेंद्र सिंह, पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार सिंह, भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष नागर सिंह चौहान, जिला पंचायत CEO संस्कृति जैन के साथ ही भाजपा कार्यकर्ता व आमजन सैकड़ों की संख्या में शामिल हुए। आज आजाद के जन्म जयंती पर पहले तो हम उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं और इसी के साथ हम देशवासियों को और अलीराजपुर जिले वासियों को यह संदेश देने जा रहे हैं कि जिस प्रकार आज़ाद ने यहाँ पर आज़ादी के लिए देश के हित में काम किया, उसी तरह जो नागरिक गण भी है उसी अनुरूप काम करें। तथा जी की जन्म जयंती पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, शिवराज सिंह जी की तरफ से, हम सभी की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज ऐसा दिवस है जो हमें प्रेरणा देता है और इस बात की ओर अग्रसर करता है कि जिस प्रकार चंद्रशेखर आजाद जी ने जो इसी माटी के नाम अपने बलिदान से इस देश को स्वाधीनता दिलाई, स्वतंत्रता दिलाई। तिरंगा यात्रा को लेकर मंत्री दत्तीगांव ने कहा कि वर्तमान में देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। अलीराजपुर से सुमित सालवी की रिपोर्ट।